वसंत पंचमी का त्यौहार हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व रखता है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। यह पूजा पूर्वी भारत में बड़े उल्लास से की जाती है। इस दिन स्त्रियां पीले वस्त्र धारण कर पूजा अर्चना करती हैं। पूरे साल को जिन 6 मौसमों में बांटा गया है, उनमें वसंत लोगों का मनचाहा मौसम है। जब फूलों पर बहार आ जाती है, खेतों में सरसों का सोना चमकने लगता है, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती हैं, आमों के पेड़ पर बौर आ जाती है और हर तरफ तितलियां मंडराने लगती हैं, तब वसंत पंचमी का त्यौहार आता है। इसे कुछ लोग ऋषि पंचमी भी कहते हैं। अब आइए हम ये जानते हैं कि इस पर्व का क्या महत्व है। वसंत ऋतु में मानो तो क्या, पशु पक्षी तक उल्लास भरने लगते हैं। यूं तो माँ का पूरा मास ही उत्साह देने वाला होता है, पर वसंत पंचमी का पर्व हमारे लिए कुछ खास महत्व रखता है। प्राचीन काल से इसे ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती का जन्म दिवस माना जाता है। इसलिए इस दिन माँ शारदे की पूजा कर उनसे ज्ञानवान विद्यावान होने की कामना की जाती है। वहीं कलाकारों में इस दिन का विशेष महत्व है। कवि, लेखक, गायक, वादक, नाटककार, नृत्यकार अपने उपकरणों की पूजा के साथ माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। तो ये थी वसंत पंचमी की कथा जो हमें पुराणों से मिलती है। इस तरह की अनेक कथाएं हम आपको सुनाएंगे, तो आप हमारा ये चैनल ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, ताकि इस तरह की जानकारियां हम और आप सब तक पहुंचा सकें। यही हमारा प्रयास है। धन्यवाद।